भाई गाइस के सब समय से बताऊँ सब ठीक होंगे। गाइस आज की वीडियो में मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ। गाइस ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो गाइस अगर आपको चैनल पसंद आए तो भाई ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि गाइस ये मेरा फर्स्ट चैनल है, मेरा यूट्यूब का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ओके गाइस, सो गाइस मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई। तो भाई आज मैं आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाके फ्री फायर की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ, ठीक है गाइस। तो इधर हम टिप्स एंड ट्रिक्स को स्टार्ट करते हैं हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड के साथ, थोड़ा ये मोड मारते हुए। सो गाइस मैं आज आपको वन टैप मारना सिखाऊंगा और भी काफ़ी सारे बॉडी शॉट्स जिसमें वन टैप में भी बंदा ख़त्म हो जाए, गोली में ख़त्म हो जाए, इस तरह से सिखाऊंगा, ठीक है गाइस। सो गाइस मैं आपको प्रेफर करूंगा कि भाई अगर आप ट्रेनिंग ग्राउंड में आ रहे हो तो भाई ज़रूरी है सबसे पहले ग्लो वॉल की प्रैक्टिस करना। सो गाइस जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको सारी दे दूँगा, ठीक है भाई। सो गाइस सबसे ज़रूरी है आपको ग्लो स्कूल में आना, इधर ट्रेनिंग से ग्लो स्कूल में आ जाओ। और गाइस अगर सच बता रहा हूँ भाई, फाइव ग्लो लगाना सीखना है ना तो भाई देखो अपने हर तरफ ऐसे 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 ग्लो लगाओ बस, और कुछ नहीं करना। तो भाई 200 HP है, 200 HP है, 1 HP कम हुई, रिमेनिंग HP 180, टोटल स्कोर 95, सर्वाइवल टाइम 5, देख लो गाइस 95 स्कोर। अब टोटली समझ सकते हो कि भाई ट्राई अगेन में करता हूँ। सो गाइस अगर अब इसमें भाई सीख ले तो ना ट्रेनिंग ग्राउंड बहुत मस्त चीज़ है भाई, ठीक है भाई, बहुत मस्त चीज़ है। इधर आप अपनी ग्लोबल स्कूल की प्रैक्टिस कर सकते हो, टोटल स्कोर 80, ठीक है भाई। तो इधर से पहले तो मैं एग्जिट मार लेता हूँ। सो गाइस अगर आप ग्लोबल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो भाई बेस्ट ग्लो स्कूल है, इधर आओ फटाफट ग्लोबल के बटन पर दबाते जाओ प्रैक्टिस करो, ठीक है भाई। सबसे बेस्ट ट्रिक तो यही है, और गाइस अब मैं सिखाता हूँ वन टैप की ट्रिक्स। सो गाइस अगर आपको वन टैप मारना है स्टार्टिंग में सीख रहे हो तो उसके लिए टेजर टेगल भी ठीक ठाक है, मतलब ऐसे टेजर टेगल भी घटिया है, कुछ वन टैप नहीं लगता इससे यार, मैंने बहुत ट्राई कर लिया, बॉडी शॉट भी जाता है, ढंग से वन टैप लग ही नहीं पाता इससे, ठीक है भाई। तो अगर आप स्टार्टिंग बिगिनर हो वन टैप के लिए तो भाई सबसे बेस्ट आप MP40 ले लो, ठीक है भाई, MP40 ले लो। ये देखो MP40 से मैं सीधा ट्रैक करूँगा 129। सो गाइस आपको कस्टम HUD सबसे पहले तो भाई सेटिंग में सब कुछ यार फुल कर लो, बिल्कुल सेंसिटिविटी में सब कुछ फुल कर लो, कुछ मत छोड़ो। कंट्रोल में गाइस मैं आपको कुछ सेटिंग्स दिखा देता हूँ जिससे आपका वन टैप 100% लगेगा। सो गाइस ये हैं कुछ सेटिंग्स, भाई अपने दौड़ने को बटन को आपके फिंगर जितनी हिसाब से बैठती हैं उस हिसाब से फिट कर लीजिए, ठीक है भाई, उस हिसाब से बिठा लीजिए जिससे आपका फास्टेस्ट मूवमेंट हो सके, और जितनी भी सेटिंग आपके हाथ के हिसाब से बैठती है वो कर लीजिए। और गाइस बाकी की चीज़ मैं बताता हूँ। सो गाइस वन टैप मारने के लिए आपका भाई ये जो लेटने वाला होता है भाई ये देख लो आप, लेटने वाला ऑप्शन होता है इसको ऊपर कर दो, ठीक है भाई। और ये वाला जो ऑप्शन होता है भाई जिससे गोली चलाते हो इसको लेटने वाले से भी थोड़ा नीचे ले आओ। सो गाइस इससे क्या होगा आपको ऊपर ड्रैग करने के लिए स्पेस मिलेगी जिससे आपका हेडशॉट लग सकता है। सो गाइस एक कस्टम HUD पहले तो मैं सेव कर लेता हूँ मेरी, ठीक है भाई, देख लो मेरा ऑप्शन कितना नीचे है भाई, तो इससे देखो मैं ऊपर भी ट्रैक कर रहा हूँ तो मेरा कितना फास्ट ही मूव कर रहा है देखो। और मोस्टली इधर आपके जो हैं वन टैप लगने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है गाइस। तो देखो मैं इधर ट्रैक करा भाई डेजर्ट ईगल से, तो देखो यार नहीं लगता भाई, मैं एग्जांपल पहले देता हूँ। अगर आप क्लोज रेंज में गाइस अगर आके मार रहे हो सो गाइस उसका फ़ायदा नहीं है, फिर वन टैप लगाओ। और क्लोज रेंज में आपका इतना अच्छा वन टैप नहीं लगता, क्लोज रेंज में अगर आप ट्राई करते हो तो हार्डली मुश्किल से लग जाए, मेरा तो नहीं लगता भाई क्लोज रेंज में, देख लो मेरा तो लॉन्ग रेंज में लगता है यार, ये देख लो लॉन्ग रेंज से ऊपर को मैंने ड्रैग करा ऊपर लगा। सो गाइस सबसे अच्छी ट्रिक है भाई, आपको जो यूट्यूबर्स कहते हैं कि भाई कर्सर इधर करो इधर करो वाइट करो रेड करो, तो बिल्कुल नहीं करना भाई। सबसे अच्छा तरीका है बॉडी पे एम लाओ, चाहे कर्सर रेड हो कहीं पे बॉडी पे एम लाओ, और ये जो कर्सर है इसको बिल्कुल हल्का हल्का करते हुए गोलियां चलाते हुए ऊपर ऊपर खींचते रहो, हल्का 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 करते करते करते, और गाइस उसको वन टैप लगेगा। देखो अब जैसे मेरे ये गन ली मैंने, बॉडी का एम कहाँ पे है, रेड है, इधर है गन के पास, ठीक है, मैं हल्का हल्का खींचते जा रहा हूँ, देखो 126 लग गया, हल्का हल्का खींचते जा रहा हूँ, देखो वन टैप नहीं लगा इसमें, हल्का हल्का खींचते जा रहा हूँ इसमें भी नहीं लगा, कमाल है, थोड़ा सा क्लोज जाता है। ये देखो मैं हल्का हल्का खींचते हुए लेके जा रहा हूँ, वन टैप लग गया, ठीक है भाई, हल्का हल्का खींचते जा रहा हूँ, वन टैप लग गया भाई। तो भाई सबसे बेस्ट ठीक है भाई MP40 से ट्रेनिंग करो, ठीक है, स्टार्टिंग अगर बिगिनर हो तो MP40 से करो। और गाइस अगर आप M187 से सीखने जाते हो तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत शॉर्ट रेंज है। और गाइस इससे मैंने बहुत ट्राई कर लिया भाई, मेरा नहीं लग रहा है वन टैप, ठीक है भाई,
शॉर्ट रेंज में गाइस मैंने बहुत ट्राई कर लिया है, इसका बिल्कुल नहीं लगता भाई हेड शॉट। 787 कोई भी काम की नहीं है भाई, 787 से तो बिल्कुल मत करना प्रैक्टिस, अगर सीख जाओ अच्छी से तो कर सकते हो लेकिन फ़ायदा नहीं है। और दूसरी गन आपको लेनी है इधर भाई, एक सेकेंड गाइस, दूसरी गन लेनी है एग्बो। एग्बो से क्या होगा गाइस, अगर आपको शॉर्ट रेंज में बंदा आता है तो देखो कितने का डैमेज मारेगी, सीधा 50 का मारेगी, 107 का भी मार देगी। 107 का जब आप अगर बंदे को लगे 67 एक गोली, और खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि भाई कितना अच्छा रेट ऑफ फायर रखता है बंदा वैसे खत्म। भाई देखो मेरे हाथ में एग्बो है, एग्बो से भाई आपका हेड तो लगने का कम चांसेस होगा, लेकिन बॉडी शॉट से जो शॉट्स आपके पड़ेंगे उससे बंदा इतना डैमेज हो जाएगा आपको, आप उसके मारने की संख्या बहुत बढ़ा सकते हो, उसके मेडिकेट अच्छे खासे ख़त्म करके भाई। तो अगर भाई वैसे मैं प्रेफर करता हूँ कि यार MP40 लो अगर रैंड मैच में, तो भाई MP40 और एग्बो बेस्ट रहेगी, वन टैप मारने के लिए तो गाइस बेस्ट है मेरे हिसाब से। और गाइस डबल एल्टर का भी कोई वन टैप का फ़ायदा नहीं है कि तुम अगर शॉर्ट रेंज में कर रहे हो, हाँ हारने लगो तो अब ले सकते हो तो उसका थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। सो गाइस बेस्ट मैं यही कहता हूँ कि अगर दूर की रेंज की फाइट ले रहे हो ना तो एग्बो ले लो भाई, बहुत तगड़ा डैमेज मारती है। ठीक है भाई, तो भाई और भी मैं चीज़ें दिखा देता हूँ आपको, और ट्रेनिंग ग्राउंड में चल के आपको थोड़ा सा रिवील करके दिखाते हैं चीज़ें। सो गाइस ये देखो बंदा, इसको मैंने चलाया गोली लग गई इसको, एग्बो अभी मेरे पास डिजालॉग में यूज़ करा, ये आया बंदा इसको गोली लग गई ये ख़त्म, दूसरा आया पीछे से इसको गोली लग गई ये ख़त्म 51 के हेड पे। सो गाइस आपने देखा कि भाई मैं वन टैप चला रहा हूँ, तो आपके सामने ट्रिप्स एंड ट्रिक्स, भाई मैं झूठ नहीं कहता भाई। ठीक है भाई, 4 HP मेरी देख लो, खुद ही देख लो भाई, 4 HP में निकलना पड़ेगा, इधर मैं मर जाऊँगा, मर गया। ठीक है गाइस, इधर मेरे को मरना ही था क्योंकि मेरा 4 HP हो गया था, तो वैसे हम दोबारा रिवाइव हो जाते हैं। इधर आप देखिए एक बो चलाई ख़त्म बता, ओ भाई साहब अबे मार दिया, नहीं लगा खेल भाई। सो गाइस इस टाइप से आपको भाई ट्रेनिंग करनी है, जो मैं कह रहा हूँ भाई वही करना, वरना तुम्हारा कभी वन टैप नहीं लगेगा, सच बता रहा हूँ। बिगिनर ट्रेनिंग ना भाई यही होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग बिगिनर ट्रेनिंग यही है, सीखना है ना भाई तो सीख लो, आगे चल के बहुत काम आएगा। देख लो 78 गाइड मारा पीछे से, आ गए फिर से किसी को वन टैप लगा दूंगा, वन टैप पे ख़त्म भाई। देखो ये लड़की भाग रही है इधर से, मैडम मैडम जी कहाँ जा रहे हो, भाई ये लड़का है, वन टैप पे ख़त्म भाई साहब, वन टैप। सो गाइस इसे कहते हैं भाई वन टैप भाई, अगर थोड़ी सी गोलियाँ भी बॉडी पे लग जा रही है ना भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, क्योंकि गेम ही है, आपको कहीं पे भी लग सकता है गोली। तो भाई ठीक है भाई ख़त्म, ये बंदे को ड्रैग करा, इसको लग गया वन टैप ड्रैग से, इधर ड्रैग करा नहीं लगा, ठीक है इसमें को 4 HP में मार दिया गया, इधर मैं ड्रैग करता हूँ बंदा ख़त्म, इधर ड्रैग करा बंदा ख़त्म, इधर ड्रैग करा बंदा ख़त्म, इधर ड्रैग करा बंदा ख़त्म। तो गाइस आपने देखा चारों को चारों बंदे एक साथ ले गया भाई, तो गाइस इसको भी ले गया मैं, देखो भाई तो आप भाई खुद देख लो कितनी देर में मैंने इसे 2 मिनट में 15 किल मार लिए सिर्फ हेड शॉट से, थोड़े बहुत बॉडी शॉट के लगे होंगे तो भाई लगे होंगे, जो पिछ ने मारा था मुझे भाई, जो पिछ से बदला लेना है, जो पिछ ये बंदा बदले लेना है इससे भी, इसने भी मारा था ख़त्म भाई। उड़ के कैसे आई लड़की, कैसे हमको लगा या पता नहीं भाई क्या था, लेकिन भाई भाई सबसे अच्छी ट्रिक है ये, शॉर्ट रेंज में भी चलाओ लॉन्ग रेंज में भी चलाओ, एक बोल चलाओ जैसे चलानी है चलाओ भाई। ठीक है भाई, भाई ये ट्रिक्स एंड ट्रिक्स बहुत अच्छी हैं, और गाइस मैं आपको ग्लोबल की स्किन भी थोड़ा रिवील करा देता हूँ मेरी इस टाइप की है भाई। ठीक है ओके गाइस, और भाई मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि भाई अबे यार तू क्यों कबाब में हड्डी बन रहा बंदे, अबे ऊपर से चढ़ के आ गया बे, अबे यार इसके यार ऐसी कैसी गाइस, इसमें ग्लोबल वाले भी जगह पर जाता हूँ वन टैप मारता हूँ, एक बोलो रॉन्ग रेंज लो शॉर्ट रेंज लो हर जगह से लो। अबे भाई साहब
क्या मारा इस बंदे ने भाई, ए डब्ल्यू माई का वन टेप भाई, ये बंदा अपन आ गया भाई। हमारा मकसद है ग्लोबल जगह पे जाने का, ठीक है भाई, अगर नहीं जा पाए तो कुछ नहीं होता, ठीक है भाई, क्योंकि गेम ही है भाई, नॉट मैटर। बंदा जरूर आएगा, मेरे को पता था ये यार, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, हाथ धो के पीछे पड़ गया गाइस। ऐसे मैं ट्रेनिंग में बिना इसके रिलोड स्पीड और ये भाई स्टॉक वॉक के खेल रहा हूँ, तो भाई जब भी ट्रेनिंग में हो तो भाई अपना स्टॉक वॉक सब लेके आना रिलोड स्पीड के लिए भाई, ठीक है। और भाई साहब देख ही सकते हो MP40 की पावर भाई साहब, M1887 वाले को ऐसे चटक रही है भाई साहब, M1887 वाले की तो जान निकाल दी इसने भाई। जितने भी M1887 वाले हैं भाई देख लो, MP40 देख लो भाई, भवंडर आएगा भवंडर, ठीक है गाइस। इधर भी आप देख सकते हो मैं मर गया, सो हम ग्लोबल वाली जगह पर मैं टिप्स एंड ट्रिक्स के बाद में बना दूंगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही, और भाई आपको मैंने सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बता दी कि आप भाई हेडशॉट कैसे मार सकते हो। और गाइस अगर पसंद आए ना तो भाई ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई मेरे यूट्यूब का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। सो बाय गाइस।